इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित अभिभावकगण, राष्ट्र के भविष्य बच्चों बच्चियां, शिक्षकगण, यह स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम लोग झंडा और इसे प्रसाद तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें जानकारी लेनी चाहिए कि देश गुलाम हुआ कैसे, किन कारणों से गुलामी हुई देश के, उन कारणों को के मामले में हमें जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। 1615 ईस्वी में थॉमस रॉ राजदूत बनाए गए थे भारत के, जहांगीर का शासन था और जमींदारों से मिलकर के बिहार भारत में भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया और धीरे धीरे यह गुलामी की जंजीर में जकड़ता चला गया। तो इसके लिए हमें चाहिए, आज़ादी तो हमें मिल गई लेकिन हमें चाहिए कि हम सृजनात्मक काम करें, हम पढ़े लिखें और अच्छे अहदे पर जाएं ताकि देश हर स्तर पर मजबूत रहे। दूसरी चीज है कि गुलामी होने के बाद हमारे पूर्वजों को कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, थोड़ा ये भी जानकारी लेना चाहिए। अपने इलाके में ही देखोगे तो कितने लोगों को पेशाब पिलाया गया, मारपीट की गई, जेल में बंद किया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई। वह छोटी सी गुलामी बहुत बड़े आंदोलन में बदली, देश के लोग काफी जुझारूपन दिखाते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। अंततः 200 वर्षों बाद 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से देश आजाद हो गया। तो जो भी इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुई लड़ाई में अपना बलिदान दिए, यह अवसर है, आज का अवसर है उन्हें याद करने का, उन्हें याद करने का अवसर है। साथ ही हम इस अवसर पर एक चीज और कह देना चाहते हैं कि हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए? सैनिकों का, क्योंकि सैनिक सीमा पर, सरहद पर सुरक्षा में 24 घंटा की ड्यूटी देते हैं, रिस्क खेलते हैं, हमेशा जान को जोखिम में डाले रहते हैं और हम लोग निश्चिंत से यहाँ अपने अपने घर में सोते हैं। तो यदि कोई शहीद होते हैं तो उन्हें हमें श्रद्धांजलि देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। गांव घर के भी जो सेना से जुड़े हुए हैं, खास करके BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, उनका जीवन यापन देख लोगे उस जगह पर कैसे रहते हैं तो डर जाओगे, बड़ा भयावह दृश्य है सीमा का। तो जो भी सैनिक लड़ाई में, सीमा की लड़ाई में शहीद होते हैं, हमें उनका भी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहिए। साथ ही जो लोग हैं सेना में उनका सम्मान करना चाहिए, यही प्रेरणा का विषय है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।